तो जैसा कि आप आजकल आपके आसपास देख रहे होंगे कि घर बनवाने की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अब ये जो घर है इन्हें बनवाने के लिए अच्छा खासा मटेरियल लग जाता है। एक औसत घर बनवाते समय आपका 70% खर्च जो है वो मटेरियल कॉस्ट में चला जाता है, और इन्हीं मटेरियल में से एक मटेरियल होता है जो कि है सरिया, जिसकी डिमांड आज भी है और भविष्य में भी रहने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सरिये का बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है। जैसे कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी स्पेस चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होता है और कितना प्रॉफिट होता है, ऐसी और भी इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम महत्वपूर्ण बोनस टिप के बारे में देखेंगे जो कि आपके बहुत काम में आने वाली है। अब देखिए, सरिये का धंधा करने के बारे में सोच रहे हैं तो सरिये के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो दुकानों में जो बेचने के लिए सरिया अक्सर ही आपने देखा होगा वो TMT सरिया होता है। TMT यानी कि थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड स्टील। और स्टील के अलग अलग ग्रेड भी होते हैं, जैसे कि Fe 415, Fe 500, Fe 550, Fe 600। इनमें से जो Fe 415 और Fe 500 है इनका इस्तेमाल रेगुलर घर बनवाते समय किया जाता है। और शॉप के अंदर जो स्टील रखा जाता है वो एक तो प्राइमरी स्टील होता है या फिर सेकेंडरी स्टील होता है। अब जो प्राइमरी स्टील बनाने वाली कंपनियां है जैसे कि टाटा, सेल, JSW, ऐसे कंपनियों का जो सरिया होता है वो प्राइमरी स्टील के कैटेगरी में आता है। अब ऐसे प्राइमरी स्टील के रेट थोड़े से ज्यादा होते हैं और इसकी डिमांड भी अच्छी होती है, पर यहाँ पर मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कम होता है। वहीं पर अगर हम सेकेंडरी स्टील की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लोकल ब्रांड जो है वो आते हैं। यहाँ पर जो स्टील बनाया जाता है वो स्क्रैप की मदद से बनाया जाता है और ऐसे स्टील के रेट भी थोड़े से कम होते हैं, पर यहाँ पर जो मार्जिन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है अगर हम प्राइमरी से कंपैरिजन करते हैं तो। और ये जो स्टील बार होते हैं ये अलग अलग डायमीटर के आते हैं, जैसे कि 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm और 32 mm। पर अगर आप अपने शॉप पे रखने वाले हैं स्टील तो आपको 32 mm का या फिर 25 mm का या फिर 20 mm का सरिया रखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर शुरुआती वक्त में 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm ऐसे सरिये को रख सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो मकान बनाए जाते हैं उनके लिए इन सरिये के डायमीटर की ज्यादा डिमांड होती है। और अगर आप 20, 25, 32 mm का डायमीटर वाले स्टील को लाके रखेंगे तो वैसे के वैसा ही वो मटेरियल जो है वहां पर पड़ा रहेगा और आपका पैसा भी फंसा रहेगा। तो डिमांड जैसी है उस हिसाब से आपको सरिये का डायमीटर आपके दुकान में रखना चाहिए। अब आपको सरिये के बारे में जानकारी तो मिल गई, अब नेक्स्ट सवाल ये आ जाता है कि आखिर कितना स्पेस चाहिए आपको सरिये का बिजनेस शुरू करने के लिए। तो इसका जवाब है आपको 1000 से लेके 2000 square feet तक जगह सरिये का बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए। अगर इससे ज्यादा जगह मिलती है तो ये तो अच्छी बात होती है। अब सरिये का व्यवसाय शुरू करते समय आपको उस जगह पर कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने लिए एक छोटी सी केबिन वहां पर बना सकते हो जहां पर आप बिलिंग और बाकी चीजों का काम कर सकते हैं और बाकी बची जगह पर आप सरिये को रख सकते हो। अब सरिया अगर खुले में रहता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, पर दो चीजें जरूर ध्यान में रखिए। जहां पर आपका सरिया होगा तो वो जमीन से थोड़ा सा ऊंचाई पे होना चाहिए जिससे कि वो जल्दी जंग ना पकड़े। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये आ जाती है कि उस जगह को कंपाउंड वॉल होना चाहिए सिक्योरिटी के हिसाब से। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि सरिये का बिजनेस शुरू करते समय क्या आपको खुद की जगह चाहिए। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी खुद की जगह है तो बात अलग है, पर आप जगह जो है वो रेंट पे ले सकते हो। इसका कारण यह हो जाता है कि अगर आप जगह लेने के लिए बहुत पैसा खर्च कर देते हो तो बिजनेस के लिए आपके पास पैसा बहुत ही कम बच जाता है। वही पैसा अगर आप बचा लेंगे और मटेरियल में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहाँ पर आपको ID प्रूफ, पैन कार्ड, GST, करंट बैंक अकाउंट और शॉप एक्ट लाइसेंस जैसी चीजों की आवश्यकता होती है। और इस बिजनेस को शुरू करते समय आपको किसी फैंसी मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आपको एक वेट करने वाली मशीन की आवश्यकता होती है जिसके ऊपर आप सरिये का वजन कर सकते हो। और अगर हम लेबर की बात करते हैं तो कम से कम आपको 2 लेबर की आवश्यकता होती है। इन लेबर की आवश्यकता आपको सरिये का वजन करने के लिए, गाड़ी को लोडिंग या फिर अनलोडिंग करने के लिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह का बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो आपको कम से कम 5 से लेकर 7 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। अब इन पैसों की मदद से आप होलसेलर के पास से मटेरियल को परचेस कर सकते हो और अपने दुकान में सेल के लिए रख सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए और भी पैसे हैं, ऐसे वक्त में आप डायरेक्टली कंपनी की डीलरशिप ले सकते हो। इसके लिए आपको कंपनी की वेबसाइट को विजिट करना है और वहां पर अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो ऐसे वक्त में आपको कंपनी की डीलरशिप मिल जाती है। पर यहाँ पर आपको ऑर्डर कम से कम 12 टन तक देनी पड़ती है,
तो इसके लिए आपको ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। पर डायरेक्टली कंपनी से माल मंगवाने का फायदा यह होता है कि आपको मार्जिन जो है वो अच्छा मिल पाता है। अब इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, उसके बाद सवाल आता है कि आखिर प्रॉफिट और मार्जिन कितना होता है। तो यहाँ पर आप 2 से लेकर 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्रॉफिट जो है उसे कंसिडर कर सकते हो। यानी कि अगर आप एक दिन में 1 टन तक स्टील को सेल कर लेते हो, ऐसे वक्त में आपका मुनाफा जो है वो 2000 रुपए तक हो सकता है। अब इन सभी चीजों के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि सरिये का बिजनेस करते समय आखिर आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अब सबसे पहली चीज जिससे आपको बचना चाहिए वो है उधारी। इस धंधे में बहुत ही ज्यादा उधारी का प्रमाण होता है। अब जब आप उधार माल देना शुरू करते हो, ऐसे वक्त में आपका सेल थोड़ा सा बढ़ सकता है, पर ऐसा उधारी में दिया हुआ माल का पैसा फंसा हुआ रहता है और कभी कभी वो डूबने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए जितना आप उधारी को अवॉइड करेंगे उतना आपके बिजनेस के लिए अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर समझने वाली दूसरी चीज ये आ जाती है कि अगर आप सरिये का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो उससे पहले आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना जरूरी होता है। किसी दुकान में अगर आप 6 से लेकर 12 महीने तक का एक्सपीरियंस लेते हैं तो इससे आपको सरिये का बिजनेस शुरू करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस के वजह से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है कि कस्टमर का बिहेवियर किस हिसाब से है, मार्जिन कितना रखना चाहिए, कौन सा ब्रांड वहां पर चल रहा है, कौन से स्टील की ज्यादा मांग है, कस्टमर के क्या एक्सपेक्टेशन है। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में आपको एक्सपीरियंस के दौरान पता चलता है। और जहां तक बात आती है मटेरियल को सेल करने की, तो यहां पर आपको इस तरह के ब्रांड को अपने दुकान में रखना चाहिए जो कि लोकल में बहुत ही पॉपुलर है। तो अगर आप ऐसे ब्रांड का मटेरियल अपने दुकान में सेल के लिए रखोगे तो डेफिनेटली लोग जो है आपके दुकान में मटेरियल परचेस करने के लिए आएंगे। और यहाँ पर आपके दुकान में जो रेगुलर कस्टमर होते हैं, जैसे कि ठेकेदार या फिर आपके इंजीनियर, तो ऐसे लोग बार बार सरिये को परचेस करते हैं और वो भी बल्क क्वांटिटी में। तो इस वजह से आपका सेल भी बढ़ता है और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो इसीलिए आपके कॉन्टेक्ट में जितने ज्यादा इंजीनियर और कॉन्ट्रेक्टर होंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होता है। और रही बात कंपनी से मटेरियल परचेस करने की, तो यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आपको कैश में मटेरियल को परचेस करना है। अगर आप क्रेडिट में मटेरियल को परचेस करेंगे, ऐसे वक्त में 25 दिनों बाद कंपनी आपको 2% से चार्ज लगा सकती है, जिससे कि आपके प्रॉफिट पे परिणाम होता है। और अगर आप कैश में परचेस करते हो तो इसका फायदा यह होता है कि आपको डिस्काउंट भी मिलता है, और डिस्काउंट का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका इंक्रीज हो जाता है। सरिये का बिजनेस करते करते आप साइड बाय साइड सीमेंट को सेल करने का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास लेबर अवेलेबल होता है, पर यह करने के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा कैपिटल भी चाहिए होगा। तो आपके एरिया में कौन से कंपनी का स्टील ब्रांड सबसे ज्यादा पॉपुलर है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए कौन से बिजनेस के बारे में आप जानकारी चाहते हो इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नया आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।